है, अब देखें, अब हमें इसके, हमें कैसे पता चलेगा इस पेशेंट के अंदर हाइपोपैराथायरायडिज्म है? इसका हमें ऐसे पता चलेगा, लैब इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे इसकी। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल चेक करवाएंगे, तो पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल इस पेशेंट के अंदर डिक्रीज होगा। नंबर सेकंड, इस पेशेंट के अंदर कैल्शियम का लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? जब पैराथायरॉइड ग्लैंड ही काम नहीं कर रहा बच्चों, तो कैल्शियम बॉडी में रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, तो कैल्शियम का लेवल बॉडी में क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस का जो फास्फेट का लेवल होगा वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अब आप मुझे बच्चे बताओ, इसका फास्फेट का लेवल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? वेरी गुड, इसका स्पेसिफिकली फास्फेट का लेवल बॉडी में इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि पैराथायरॉइड ग्लैंड तो काम ही नहीं कर रहा, पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा, ये जो फास्फेट था ये बॉडी एक्सक्रीट ही नहीं कर रहा, इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, हमारा फास्फेट का लेवल इंक्रीज करेगा। यहाँ पे भी ये चीज ऐड कर लीजिएगा, अगर नहीं लिखी हुई, इसमें नहीं लिखी हुई कि फास्फेट का लेवल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ठीक है, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर। इसमें डिजार्ज सिंड्रोम आपने याद रखना है, नंबनेस और टिंगलिंग होती है। इसमें यहाँ पे स्पेसिफिकली एक वर्ड मेंशन किया, सर्कम मोरल। सर्कम मोरल होता है कि लिप्स के इर्द गिर्द जितना भी एरिया है ना, यहाँ पे टिंगलिंग हो तो दिस इज नोन एज सर्कम मोरल, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, लिप्स के इर्द गिर्द वाला जितना भी एरिया है, दिस इज नोन एज सर्कम मोरल। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, दैट इज सूडो हाइपोपैराथायरायडिज्म। सूडो क्या होता है? फॉल्स। इसके अंदर आपने हमेशा एक बात याद रखनी होती है कि ऑर्गन की ना रेजिस्टेंस हो जाती है। पैराथायरॉइड हार्मोन तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है इसके अंदर, लेकिन जो किडनी है ना वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, किडनी काम सही तरह नहीं कर रहा। तो इसके अंदर क्या होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज करेगा, लेकिन जो कैल्शियम का लेवल है ना वो डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि किडनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है, किडनी सही तरह काम नहीं कर रहा है। दिस इज नोन एज सूडो हाइपोपैराथायरायडिज्म। आप इसके वर्ड्स पे नोट गौर करें कि उसने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाइपोपैराथायरायडिज्म। हाइपो मतलब कम, लेकिन पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल तो इंक्रीज है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सूडो हाइपोपैराथायरायडिज्म। क्यों हो रहा है? क्योंकि किडनी क्या शो कर रही है, रेजिस्टेंस शो कर रही है। जब किडनी रेजिस्टेंस शो करेगी तो कैल्शियम तो रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकेगा किडनी से, जब कैल्शियम रीअब्सॉर्ब नहीं हो सकेगा तो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज कर देगा इस पेशेंट के अंदर, और पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज कर देगा। यहां तक समझ में आ गई? किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले। क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, अब सूडो हाइपोपैराथायरायडिज्म के अंदर ना एक स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर मेंशन करते हैं, उसकी जो फोर्थ फिफ्थ डिजिट, हाथ के जो डिजिट्स होते हैं ना वो स्मॉल होते हैं, और पूछा जाएगा कि ऐसे कौन से जीन के अंदर म्यूटेशन हो तो सूडो हाइपोपैराथायरायडिज्म हो सकता है। तो आपने बताना है GNAS1 जीन की म्यूटेशन हो, ये भी यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। अगर इस जीन की म्यूटेशन हो तो पैराथायरॉइड क्या करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा, किसके अगेंस्ट, किडनी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगा। समझ आ गई यहां तक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट? इसको एक दफा हम बुक से रीड आउट कर लेते हैं, कोई पॉइंट मिस तो नहीं किया हमने यहाँ से। हाइपोपैराथायरायडिज्म वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है कि पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल डिक्रीज कर जाता है। क्या क्या कॉजेज हो सकती है? ऑटोइम्यून हो सकता है, सर्जिकल एक्सीजन मतलब कि इट्रोजेनिक, या अपने को ट्रीटमेंट करते करते उसकी ब्लड सप्लाई डैमेज कर दी, डिजॉर्ज सिंड्रोम हो सकता है। क्या क्या क्लिनिकल फीचर आ सकते हैं, नंबनेस, टिंगलिंग, मसल स्पैज्म आएगा तो चुबोस्टिक साइन क्या होगा वो भी बता दिया, ट्रोशियस साइन। अगर पूछा भी जाता है कि ये क्यों देखते हैं हम, वाई इसके अंदर हम इस ये साइन क्यों देखने हैं, तो आपने बताना है कि थोड़ा सा कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा ना तो ये फौरन से कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। ठीक है, लैब्स में क्या देखेंगे, पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल डिक्रीज देखेंगे इसके अंदर, कैल्शियम का लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, सूडो हाइपोपैराथायरायडिज्म के अंदर क्या होगा कि रेजिस्टेंस शो करेगा अगेंस्ट किडनी, इसके अंदर क्या होगा, पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज करेगा, और शॉर्ट लिख देगा एग्जामिनर, फोर्थ और फिफ्थ डिजिट शॉर्ट है, और पूछा जाएगा ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव, तो आपने बताना है ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अगर पूछा जाए किस जीन की म्यूटेशन होती है तो आपने बताना है GNAS1 जीन की म्यूटेशन है। यहां तक किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना हम बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू कल करेंगे। क्लियर है यहां तक? दीदी मैरीन बोले, फोर्थ और फिफ्थ डिजिट,
या आपकी जो फोर्थ फिंगर उसके साथ वाली जो लिटिल फिंगर है ये छोटी होगी इसके अंदर, ये ऑटोसोमल डिजीज है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ लो। अफसा आप अपना माइक बंद कर लें। अच्छा एक और टॉपिक करा दें, बच्चे कहते हैं कि को टॉपिक करवा लें या इसको हम कल कंटिन्यू करें। क्या क्वेश्चन है? सूडो में पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीज, कैल्शियम, क्या आपने लिखा एक मिनट में, कैल्शियम कम और फास्फेट ज्यादा होगा। सूडो के अंदर ना आपने याद रखना है कि हमारे ऑर्गन की रेजिस्टेंस हो रही है। और अपना माइक बंद कर लें, एक बार फिर से उसामा आप अपना माइक बंद कर लें। सूडो के अंदर पता क्या होगा, ऑर्गन रेजिस्टेंस शो कर रहा है ना, किडनी रेजिस्टेंस शो कर रही है, ठीक है। इसके अंदर हमारा पैराथायराइड हार्मोन का लेवल तो इंक्रीज होगा ही होगा, साथ में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा इसके अंदर, और फास्फेट का लेवल इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि किडनी तो काम ही नहीं कर रही होती। किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम के लेवल को बॉडी में इंक्रीज करना, फास्फेट के लेवल को डिक्रीज करना। रेजिस्टेंस शो कर रही है किडनी, तो ये वाला फंक्शन तो वो कर ही नहीं सकेगी, इसीलिए इसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल क्या देखते हैं, इंक्रीज देखते हैं, कैल्शियम का लेवल क्या करते हैं, डिक्रीज देखते हैं, और फास्फेट का लेवल इंक्रीज कर देखते हैं। दिस इज नोन एज सूडो हाइपोपैराथायरायडिज्म। क्लियर है यहां तक सबको? और क्वेश्चन सर, तो स्टेप वन बुक से वो यूनिट डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा मैं स्टेप वन से भी एक दफा इसको रीड आउट करा देता हूँ आपको। ये देखें जी, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, इसके अंदर पता क्या होता है, पैराथायरॉइड एडिनोमा होता है, मैंने आपको बताया 80% केसेस में यही होता है, ठीक है। हाइपरकालसीमिया कैसे होता है, हाइपरकालसीयूरिया कैसे होता है, रेनल स्टोन कैसे बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, मैंने वो भी आपको बता दिया, ठीक है। पोलीयूरिया होता है इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा, हाइपोफॉस्फेटीमिया कैसे होता है वो भी डिस्कस कर लिए, पैराथायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है, ईएलपी यूरिनरी सीएमपी का लेवल इंक्रीज होता है इस पेशेंट के अंदर, बोन पेन होती है क्योंकि बोन की ज्यादा से ज्यादा ब्रेकडाउन होती है, कॉन्स्टिपेशन कैसे होती है वो भी बता दिया। अगर किडनी स्टोन है तो पूछा जाता है किस रीजन पे पेन होती है, तो वो फ्लैंक रीजन पे पेन होती है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस भी इस पेशेंट के अंदर हो सकता है, और न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस वही आपको मैंने बताया कि सीजर वगैरह इस पेशेंट के अंदर हो सकते हैं, सारी उसने बातें यहाँ पे वही लिखी हुई है। ओसियोटिस फाइब्रोसिस्टिका के अंदर उसने क्या लिखा है कि बोन स्पेसिस बन जाती है कैल्शियम रिलीज होने की वजह से, ठीक है, जिसको हम ब्राउन ट्यूमर भी बोलते हैं, मैंने आपको वही बात बता दी। इसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज, सारी वही बातें हैं, इसमें कोई नई बात उसने नहीं लिखी, कोई रॉकेट साइंस नहीं लिखी। सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के अंदर क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है हमारा बॉडी में कम होता है, क्यों मैंने आपको बताया इसकी कॉज क्या है, किडनी फेलियर इसकी कॉज होती है, तो इसीलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, हमारा कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा इस पेशेंट के अंदर, जो फास्फेट का लेवल है वो इस पेशेंट के अंदर इंक्रीज होगा। वही किस 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 पेशेंट के अंदर हम देख सकते हैं, सीकेडी वाले पेशेंट के अंदर देखते हैं, हाइपोकालसीमिया होता है इसके अंदर, हाइपर फास्फेटीमिया होता है इसके अंदर, सीकेडी वाले पेशेंट के अंदर देखते हैं, एएलपी और पैराथायराइड हार्मोन भी इसके अंदर इंक्रीज करता है, सारी वही बात। इसने यहाँ पे एक नई चीज ऐड की है, वो टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी को क्या हुआ, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हुआ, उसको आपने ठीक नहीं किया, पैराथायरॉइड हार्मोन ज्यादा से ज्यादा रिलीज होता गया, एक टाइम आया कि उसका हाइपर प्लेगिया हो गया, एडिनोमा हो गया उसका, और उसकी वजह से पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल एक्सेस हो गया बॉडी में, दिस इज नोन एज टर्शियरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। यहाँ पे उसने सारी वही कहानी लिखी हुई है, ठीक है। अब है फेमिलियल कैल्शियुरिक हाइपरकैल्शियमिया, इसके अंदर बच्चों पता क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे थायराइड पर ना कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, यही बात मैंने आपको बताई थी ना कि कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाएगी, ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल उसका कैल्शियम का लेवल बॉडी में इंक्रीज किया तो क्या होगा, वो डिक्रीज नहीं कर सकेगा, ठीक है। जब वो डिक्रीज नहीं कर सकेगा तो पैराथायराइड हार्मोन का लेवल भी इसके अंदर इंक्रीज रहेगा, कैल्शियम का लेवल भी इस पेशेंट के अंदर इंक्रीज रहेगा, जो यूरिनरी कैल्शियम है ना, जो यूरिन में एक्सक्रीट होना था वो डिक्रीज हो जाएगा इस पेशेंट के अंदर, ठीक है। दिस इज नोन एज फेमिलियल हाइपोकैल्शियुरिक हाइपरकैल्शियमिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन है, बाकी सारा उसने वही लिखा हुआ है यहाँ पे। पैराथायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा, जो नॉर्मल हमारा ये जो यूरिन के अंदर आना था वो इसके अंदर डिक्रीज होगा, बाकी सारी इसके अंदर कहानी वही है जो हमने पहले पढ़ ली है।
ठीक है, यहाँ तक किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हुआ तो प्राइवेट मैसेज करके भी पूछ सकता है। ये क्या लिखा करा थोड़ा डॉम उनके। जी बिल्कुल इसी तरह आपने ठीक बोला है। फी मान अल्लाह अल्लाह।